वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आज बात करेंगे एक कंपनी के बारे में, उसका नाम है CDSL। तो इस कंपनी के बारे में जो है, इसके बिज़नेस को जो है हम समझेंगे कि क्या इसका बिज़नेस है, कैसा बिज़नेस जो है फ्यूचर में चल सकता है, उस सब पर जो है हम बात करेंगे। तो ये जो कंपनी है, ये एक डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। अब डिपॉजिटरी सर्विसेज क्या होता है, जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, वैसे ही शेयर्स जो है जहाँ जमा होते हैं उसको हम बोलते हैं डिपॉजिटरी। तो ये कंपनी जो है शेयर्स को जो है रखने का काम, डिपॉजिट करने का काम जो है करती है। शेयर्स के अलावा भी जो है और दूसरे बिजनेस भी हैं। ये कंपनी जो है BSE के द्वारा प्रमोटेड कंपनी है। तो BSE जो कि देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, उसकी जो है ये एक प्रमोटेड कंपनी है। 21 साल पुरानी कंपनी है ये, 1999 में बनी थी और तब से जो है ये बिजनेस में है। तो यानी कि काफ़ी पुराना जो है इस कंपनी का जो है बिजनेस हो जाता है। और ज़्यादा पुराना होने का मतलब ये होता है कि अच्छे बुरे समय को भी जो है ये देखती हुई, सर्वाइव करती हुई आई है। डूपॉली इसका बिजनेस है, यानी कि जो है इस इंडस्ट्री में सिर्फ दो ही कंपनियां हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात हो जाती है। तो एक है NSDL और दूसरी है CDSL। तो सिर्फ यही दो कंपनियां जो हैं इस बिजनेस में हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात हो जाती है। यानी कि ये बिजनेस जो है कंपटीशन फ्री हो जाता है एक तरह से। अब इस कंपनी के बिजनेस के जरा हम रेवेन्यू सोर्सेस की बात करें, तो 86% इसका रेवेन्यू जो है आज के समय में आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट सर्विसेज से। यानी कि शेयर्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो लेन देन होता है, वहाँ पे जो है इसका 86% रेवेन्यू आता है। तो जैसे हम शेयर लेते हैं तो शेयर जाते हैं, वो डिपॉजिट होते हैं, और जब भी हम उन शेयर्स को बेचते हैं तो डिपॉजिटरी कंपनी जो है उस पर कुछ चार्ज लगाती है, 10-20 रुपये के आसपास अराउंड। तो वो चार्ज जो है इस कंपनी के पास आता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट सर्विस जो है इसका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जहाँ से इसका मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है। इसके अलावा अदर सोर्सेस की बात करें तो eKYC, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो KYC हो रही है उससे भी कंपनी का रेवेन्यू आता है। ई इंश्योरेंस, ई वोटिंग, ई लॉकर, ये जो फैसिलिटीज़ हैं उससे भी जो है कंपनी कमा रही है। और जो है कंपनी जो है जो नॉन कैश कॉरपोरेट एक्शन होते हैं, कॉरपोरेट एक्शन जैसे कि कोई कंपनी जो है शेयर्स को स्प्लिट कर रही है, तो दूसरे जो भी शेयर होल्डर हैं उनके अकाउंट में जो है एक्स्ट्रा शेयर क्रेडिट कराने हैं, तो या बाईबैक कर रही है, या इस प्रकार की और भी चीज़ें जो होती हैं जो कॉरपोरेट एक्शंस होते हैं, इसमें जो है कंपनी जो एक्टिविटी करती है उस पर जो है उसको फीस मिलती है। और जो है नए कुछ बिजनेस रेवेन्यू सोर्सेस हो रहे हैं, जैसे कि एकेडमिक डिपॉजिटरी सर्विस, यानी कि मार्कशीट हो, थीसिस हो, रिसर्च पेपर हो, ये भी डिजिटल फॉर्म में जो है सेव किए जाएँ, उनका रिकॉर्ड रखा जाए, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं तो वहाँ से भी कंपनी जो है कमा रही है। और जो है कमोडिटी डिपॉजिटरी सर्विस भी जो है उसका अभी नया नया बिजनेस है। तो जैसे कि कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती है, तो उसकी जो रिसिप्ट जनरेट होती है और जो कमोडिटीज़ को डिजिटल फॉर्म में रखने का काम है, वो भी जो है ये कंपनी अब कर रही है। तो बहुत सारे जो है बिजनेस हो जाते हैं, पर मेन बिजनेस आज के समय में जो मेजर रेवेन्यू लाता है वो सिक्योरिटी डिपॉजिटरी सर्विसेज ही है। अब ज़रा हम इसके बिज़नेस को देखें कि अब तक जो है कैसा क्या चला है। तो दो कंपनियां हैं इस बिज़नेस में, NSDL, CDSL। तो दोनों के ही जो है हम देखें तो दोनों ही कंपनियां जो है स्टेडीली ग्रोथ करती रही हैं, लेकिन ग्रोथ जो है CDSL की ज़्यादा रही है, काफ़ी बेहतर रही है NSDL के मुकाबले। 46% जो है मार्केट शेयर जो है इस समय CDSL का है, और 10% CAGR के हिसाब से जो है ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेड है कि नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट जो है इसी स्पीड से बढ़ेंगे। तो हमारे देश में जो है अभी जो है 2-3% पॉपुलेशन ही है जिसके पास ट्रेडिंग अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है। तो ये चीज़ जो है जैसे जैसे एजुकेशन का पेनिट्रेशन बढ़ता है, लोग जो है इन्वेस्टमेंट के प्रति अवेयर होते हैं, तो डीमैट अकाउंट्स जो है वो बढ़ते रहेंगे, म्यूचुअल फंड्स लोग खरीदेंगे तो वो भी जो है इनको बेनिफिट करेगा। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। तो पिछले 4-5 साल से जो है ठीक ठाक ग्रोथ जो है कंपनी की चलती रही है। अब जरा इसकी ग्रोथ के की फैक्टर्स को समझें कि क्या चीज़ है जो इस कंपनी के लिए ग्रोथ के जो है ट्रिगर्स लाती है। तो पहली चीज़ है IPO।
तो जितनी ज़्यादा कंपनियां आएंगी, नई नई कंपनियां आएंगी, उनके आईपीओज आएंगे, वैसे वैसे इस कंपनी के लिए जो है एक तरह से उनमें, क्योंकि उनमें ट्रेडिंग भी होगी, ट्रेडिंग भी होगी तो शेयर लोग खरीदेंगे, डीमेट में रखेंगे, तो ये बिजनेस जो है उनके लिए बढ़ेगा। और साथ में नंबर ऑफ डीमेट जिस प्रकार से बढ़ते जाएंगे, ग्रोथ होगी, यहाँ भी ये कंपनी कमाती रहेगी। ट्रेडिंग एक्टिविटी लोगों की बढ़ेगी तो उससे भी इस कंपनी को फायदा है, और जितनी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड होती जाएंगी उतना ही इसको फायदा है। और डिजिटाइजेशन का भी इसको फायदा है कि जितना चीज़ें जो है डिजिटल होंगी, जैसे इंश्योरेंस, ई इंश्योरेंस की बात करें, म्यूचुअल फंड्स लोग ऑनलाइन परचेस करेंगे, या हम बात करें कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने लगें, तो ये सब चीज़ों का इसको फायदा मिलेगा। और अगर हम इन चीज़ों पर नज़र रखें तो ये सभी चीज़ों का हमारे देश में पेनिट्रेशन जो है काफ़ी कम है इस समय, और बहुत बड़ा पोटेंशियल जो है यहाँ पे ग्रोथ का है। शेयर होल्डिंग की बात करें कि किसके किसके पास जो है कितने शेयर हैं इस कंपनी के, तो BSE जो कि इसका मेन प्रमोटर है आज के समय में, जिसको स्पॉन्सर कहा जाता है, 24% जो है इसके शेयर जो है ये रखती है। 4.67% शेयर जो है इसके म्यूचुअल फंड्स के पास हैं। 35% शेयर जो है इसके बैंक्स के पास हैं। 2.19% शेयर जो है FIIs के पास हैं, और जो है बाकी के शेयर जो है आम पब्लिक के पास हैं। अब बैंकों में भी अगर हम बात करें कि कौन इसके बड़े शेयर होल्डर हैं, ये सारी जानकारी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स के बेसिस पे है, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है 7% शेयर रखता है, HDFC बैंक भी 7.18% शेयर है, कैनरा बैंक 6% है, बैंक ऑफ इंडिया जो है 5.5% शेयर रखता है, SBI जो है इसके 9.57% जो है शेयर रखता है, LIC 4% रखता है, बैंक ऑफ बड़ौदा 5% शेयर रखता है। यानी कि काफ़ी बड़ी बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, बैंक्स हैं, उनका जो है इधर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में है। अब ज़रा इसकी बैलेंस शीट पर आएँ तो सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी पूरी तरह से डेब्ट फ्री है, तो बोरोइंग वाला कॉलम जो है पूरा का पूरा जीरो है, यानी कि एक पैसा भी कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, जो कि बढ़िया बात हो जाती है। इन्वेस्टमेंट्स भी कंपनी के बढ़िया तरीके से ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि कंपनी जो है एक फ्री कैश फ्लो जनरेट करने वाली कंपनी है। अगर हम इसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे आएँ तो यहाँ पे भी कंपनी का जो है ठीक ठाक जो है ग्रोथ जो है स्टेडीली नेट प्रॉफिट में होती रही है। पर क्योंकि ये कंपनी एक साइक्लिक नेचर की है, साइक्लिक नेचर का मतलब ये है कि कंपनी हमेशा एवरग्रीन परफॉर्मेंस जो है हर साल नहीं देती है, ये जो है क्योंकि कंपनी जो है डिपेंड करती है कि शेयर ट्रेडिंग कितनी हो रही है, शेयर बाजार कितना अच्छा चल रहा है, तो उस हिसाब से कंपनी के प्रॉफिट लॉस जो है वो कम ज़्यादा होते हैं। अब जैसे 2010 की बात करें, जो बहुत बढ़िया बूम जो है शेयर बाजार में आया था 2008 की मंदी के बाद, तो उस समय कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा थे, 71%। और इसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा स्टेडीली डिक्लाइन हुआ। 2013 14 का पीरियड जो है एक मंदी वाला पीरियड था, और उस मंदी वाले पीरियड में सबसे कम जो है मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 37% रहा है। इस समय की अगर हम बात करें तो, क्योंकि शेयर बाजार जो है हमारा पिछले 2 साल से अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये मार्जिन जो है वो ड्रॉप होने लगे हैं, और ड्रॉप होके कहाँ पे आ रहे हैं, अपने जो ऑल टाइम लोस के करीब हैं वहीं की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो 40% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम कह सकते हैं कि अब तक जो है वर्स्ट पीरियड में कंपनी ने शो किया है, तो लगभग जो है आज के समय में जो है हम उसी के करीब जो है यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ से अगर बाजार में सुधार हो जाता है तो यहाँ पे भी सुधार होगा, बाजार में गिरावट होगी तो थोड़ी सी और मार्जिन ड्रॉप होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। अब परफॉर्मेंस फैक्टर्स की कुछ बात करें, कुछ पैरामीटर्स की बात करें, तो रिटर्न ऑन नेटवर्क तब तक का एवरेज 5 साल का 17% आता है कंपनी का, अच्छी बात है। नेट जो है फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। डेबिटर डेज 23 डेज का है, यानी कि सिर्फ 23 दिन कंपनी को लगते हैं अपने कस्टमर से पैसा लेने में, और कोई डेब्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है बढ़िया सी बात हो जाती है इस कंपनी के लिए। अब एक और फैक्टर जो है जो कि नए ग्रोथ ला सकता है कंपनी के लिए, वो कुछ सरकार ऐसे नियम कायदे ला रही है जो इनको फायदा दे सकता है। एक तो सरकार ये कह रही है कि जो भी अनलिस्टेड कंपनियां हैं वो भी अपने शेयर्स जो हैं वो डीमटेरियलाइज करें, यानी वो भी डीमैट में रखें। अभी तक जो फिजिकल पेपर वर्क चलता था उसको सरकार ख़त्म करना चाहती है। तो ऐसी लगभग 60,000 कंपनियां हैं इस समय देश में जो कि अनलिस्टेड हैं, जिनके शेयर्स जो है भविष्य में डीमटेरियलाइज हो सकते हैं। अब इसमें से एक बड़ा शेयर जो है इस कंपनी के हाथ में आ सकता है।
डिजिटल स्टोरेज का जो बिजनेस है, जैसे अभी सरकार ने एक डिजी ऐप यूज़ किया है जिसमें अपन अपने डॉक्यूमेंट जो है डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं, वैसे ही जो है चीज़ें जो है फ्यूचर में बढ़ सकती हैं। अभी जो है सिर्फ 10% एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही हैं देश में जो कि जो है इस एकेडमिक चीज़ों को डिजिटाइज कर रहे हैं। भविष्य में जो है ये चीज़ें जो है काफ़ी बढ़ सकती हैं और एक अच्छा रेवेन्यू सोर्स जो है यहाँ पे हो सकता है। साथ में इंश्योरेंस का बिजनेस भी काफ़ी डिजिटाइज हो रहा है, कमोडिटीज़ का बिजनेस भी जो है डिजिटाइज हो रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है भविष्य में कंपनी के रेवेन्यू को और बेहतर कर सकती हैं। पर रिस्क भी कुछ हैं। रिस्क, पहला रिस्क यही है ये जो डिजिटाइजेशन का पूरा प्रोसेस चल रहा है वो आधार बेस्ड है, कि आधार के बेस पे जो है हम ई साइन करते हैं और हमारे अकाउंट खुलते हैं। अब यहाँ पे समय समय पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, कभी सुप्रीम कोर्ट कुछ कह देता है, कभी कोई कोर्ट में चला जाता है कि आधार नहीं देना है, ये नहीं देना, तो इस तरह के इश्यूज़ जो हैं आते रहते हैं। और बीच बीच में कई बार ऐसा हुआ है कि ये चीज़ें जो है टेम्परेरी जो है कुछ महीने के लिए बंद हुई हैं, फिर शुरू हुई हैं, तो ऐसे इवेंट्स जो है इस कंपनी के बिजनेस पर असर डालते हैं। एक और बात यह है कि कंपनी का जो है एक रेगुलेटेड कंपनी है, तो यहाँ पे 10 साल में मैनेजमेंट जो है चेंज होता है पूरा का पूरा, तो शायद ये एक रिस्क हो सकता है कि जो नया मैनेजमेंट आए वो उतना केपेबल ना हो, ये सारी चीज़ें जो है हो सकती हैं। और बिजनेस जो है वो साइक्लिक नेचर का है, यानी कि जब तक शेयर बाज़ार बहुत बढ़िया करेंगे तब जो है ये कंपनी का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहेगा, जब शेयर बाज़ार मंदी में चलते रहेंगे तब जो है इसका बिजनेस जो है उतना अच्छा नहीं करेगा, तो साइक्लिक नेचर जो है इस कंपनी का हो जाता है। और कुछ बिजनेस जो है आईटी रिस्क जो है इनका बड़ा है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो डिजिटल फॉर्म में हो रही हैं, तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग आईटी इंफ्रा जो है समय की ज़रूरत हो जाती है कि वो हैक प्रूफ हो, बिल्कुल जो है उसमें कोई सेंध ना लगा पाए, लोगों की प्राइवेसी मेंटेन हो, तो ये सारी चीज़ें जो है कंपनी को मेंटेन करनी पड़ती है। यहाँ पे अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो कंपनी के बिजनेस में जो है बुरा असर पड़ सकता है, तो ये जो है कुछ रिस्क हो जाते हैं इस कंपनी के बिजनेस में। अब जरा शेयर के प्राइस को देखें तो 400 रुपये जो है इसका हाईएस्ट प्राइस रहा था शेयर का, और वहाँ से जो है गिरता हुआ जा रहा है, और अभी जो है आपको 230-40 के भाव पे ये कंपनी मिल रही है, यानी कि अपने हाई से जो है ये आपको 40% प्लस के डिस्काउंट पे इस समय मिल रही है। अब ये प्राइस लेने वाला है या नहीं है, वैल्यूएशन इसके ठीक है या नहीं, इस पर मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति जो है सिर्फ इस वीडियो को देख के ही जो है कंपनी को जाके उसमें जो है इन्वेस्ट कर दे, तो अपनी रिसर्च भी जो है ज़रूरी होती है। तो इस पर जो है मैं अपनी बात अभी के लिए ख़त्म करता हूँ। आप जो है कमेंट्स रखिए, और अगर आप चाहते हैं कि किसी और कंपनी का इस प्रकार से मैं एनालिसिस करूँ तो कमेंट्स में जो है उस कंपनी का नाम बताइए, और इस प्रकार के वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल दबाना है। फिर मिलते हैं। जय हिंद।